यदि कंगाली आपका पीछा ही नहीं छोड़ती, गरीबी आपका पीछा ही नहीं छोड़ती, हमेशा ये धन की कमी आपसे क्यों जुड़ी होती है? आप पहले भी गरीब थे और अभी भी गरीब क्यों है? क्यों आप ही के घर में जन्मा आपका एक दूसरा भाई खूब मेहनत करके अमीर हो गया, आपकी खुद की बहन अमीर हो गई, यानी कि आपके माता पिता से जन्मे कुछ संतानों में कुछ अमीर हो गए और कुछ गरीब रह गए, गरीबों में आपका भी नाम आ गया। संघर्ष आपने भी किया, पढ़ाई आपने भी की, किसी की किस्मत साथ दी और आपकी किस्मत साथ नहीं दी। परेशानियां जो पीछा ना छोड़े, नौकरी छूट जाती है बार बार, बिजनेस बार बार फ्लॉप कर जाता है, कुछ भी नया करने का प्रारंभ आप करते हैं, प्रयास करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती। बड़े कन्विंस करके किसी से पूंजी मांगी आपने, दुकान खोली और फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपने दुकान खोली, आपको ऐसा लगा इस बार तो इतनी चलेगी दुकान मेरी कि लोग हैरान रह जाएंगे, परंतु फिर वही हाल हो गया, फर्नीचर तक बेचनी पड़ी, दुकान फिर से फ्लॉप हो गया, क्योंकि सभी यही कहते हैं कि समस्या दुकान में नहीं तुम्हारी किस्मत में है। तुम धीरे धीरे जब भी पंडित जी के पास गए, कुंडली लेकर गए, किसी एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए, तुम्हें यही सुनने को मिला कि तुम्हारा भाग्य बहुत खराब है, तुम ऐसे ही रहने वाले हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, शनि सता रहा है तुम्हें, राहु केतु परेशान कर रहा है, इन ग्रहों का कोई उपाय नहीं है। और सच में यदि तुम्हारी शनि की महादशा चल रही है, राहु परेशान कर रहा है, केतु सता रहा है, तो रगड़ कर रख देगा ये जीवन में तुम्हें, एक्सीडेंट होंगे, दुर्घटनाएं होंगी, जो भी धन तुमने जमा करके रखा है सब धन एक साथ निकल जाएगा, इल्जाम लगेंगे, बीमार रहोगे, दुकान नहीं चलेगी, नौकरी कितने भी आपकी काबिलियत के अनुसार मिल जाए नौकरी छूट जाएगी, आपकी जुबान खराब हो जाएगी, लोगों से रिश्ते टूटते चले जाएंगे, खुद के भाई बहन, खुद के माँ बाप आपसे बात नहीं करेंगे। इतना परेशान व्यक्ति हो जाता है कि डिप्रेशन का शिकार हो जाता है यदि शनि राहु केतु एक साथ सता रहा हो आपको। तो ध्यान से मेरी बात सुनिए, आपने अपने जीवन से जोड़ कर देखिए कि कहीं ये सब आपके साथ तो नहीं हो रहा। पैसे की इतनी तंगी कैसे हो गई? आपके माता पिता सक्षम है, आपके भाई बहन सक्षम है, उन सब में एक आपका दुर्भाग्य कैसे जागा? कैसे ये सारे ग्रह आप पर हमला बोल दिए? कैसे आप ही की किस्मत नहीं साथ दे रही है? क्यों परेशान हो रहे हैं आप? यदि ऐसी अवस्था से जूझ रहे हैं आप भी, तब आज का एक छोटा सा परंतु एक महान उपाय, यह एक ऐसा उपाय है जिससे किस्मत बदलते देर नहीं लगती। कई बार किससे सुने होंगे ना, न जाने किस देवता की पूजा इसने कर ली कि रातों रात इसकी किस्मत बदल गई। इतने साल से रगड़ रहा था, मेहनत कर रहा था ये लड़का, अब अचानक इसकी किस्मत साथ दी। तो जो किस्मत साथ दी वाला शब्द है ना, इसी तरह के प्रयोग से भाग्य बदलता है रातों रात। आज एक दिव्य प्रयोग लेकर आई हूँ, दुर्लभ प्रयोग लेकर आई हूँ, एक भी रुपए का खर्च नहीं है, और देखो कैसे भाग्य बदलता है, कैसे तकदीर बदल जाती है। यह उपाय राहु केतु और शनि को साधने का उपाय है। तो यही तीन कारक ग्रह तो है जो परेशान करके रख देते हैं, जीवन को तबाह करके रख देते हैं। साल भर जो जमा करते हो एक माह में खर्च हो जाता है, अचानक डॉक्टर को देने पड़ जाते हैं, अचानक से कुछ ऐसा होता है कि फिर हाथ खाली हो जाते हैं, जहां से शुरुआत की थी चढ़ाई की फिर वहीं पहुंच जाते हो। होता है ना तुम्हारे साथ, इल्जाम लगते हैं किसी काम के नहीं तुम, अब तुम्हारा शीशा देखने को मन नहीं करता है, तुम तैयार होना भूल गए हो, सोए पड़े रहते हो, खुद को कोसते रहते हो। तो यदि ये हो रहा है तुम्हारे साथ, तब जागो, अब कोई समस्या नहीं सताएगी तुम्हें, भाग्य बदल जाएगा तुम्हारा, तकदीर बदल जाएगी, खूब पैसे कमाओगे, हो जाओगे माला माल, बन जाओगे करोड़पति, पूर्ण विश्वास के साथ करना। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप, घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें, यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो जीवन को सुविधाओं से जोड़ता है। कोई तकलीफ नहीं सताएगी आपकी यदि चलते फिरते सोते जागते ओम नमः शिवाय जिह्वा पर रखोगे। खाना खा रहे हो ना, एक बार बोल लो फिर खाओ। लेखनी जब उठाते हो ना दुकान में कुछ लिखने के लिए, पहले कहीं ओम नमः शिवाय लिख देना फिर लिखना, इसे एक आदत बना लो, फिर देखो कैसे जीवन
और भाग्य बदलता है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए, तकदीर बदल जाएगी। ऐसे ऐसे दिव्य प्रयोग बताती हूँ आपको। एक बेलपत्र सोमवार के दिन, थोड़ा सा शहद, जो बता रही हूँ वही लेना, और एक मंत्र बता रही हूँ, 7 दाने काली मिर्च के ले लेना, 1 लोटा जल ले लेना। सोमवार के दिन स्वच्छ कपड़े पहन लेना, हो सके तो उजले कपड़े पहनना, वरना लाइट पिंक, लाइट पीला, मतलब कोई भी फीका कलर का कपड़ा पहनना। पैर में चप्पल मत पहनना। शिवालय जाना, शिव जी के पास थोड़ा बैठना, धैर्य रखना। हम जब चलकर जाते हैं ना, तो उत्तेजित रहता है हमारा शरीर, मन भी हलचल मची रहती है, बहुत सारी बातें आती है मस्तिष्क में, ये सब शांत हो जाए तो थोड़ा मंदिर में बैठ जाना, लेकिन मंदिर जाना जरूर, घर पर नहीं। शिवलिंग होते हैं ना मंदिर में, जागृत होते हैं, प्राण प्रतिष्ठा किए हुए होते हैं, वहीं जाना। एक लोटा जल चढ़ा लेना, तिलक विलक जैसे देते हो दे लेना, यथाविधि जैसे पूजा करते हो कर लेना। 7 दाने काले मिर्च के दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद करना, और वो जो बेलपत्र तुमने लिया है उसकी 3 कड़ी जहां जुड़ती है वहां 1 बूंद शहद लगा देना, और वहीं पर पकड़ लेना इसको। आंखें बंद करना, अपनी सारी समस्या शिव जी को कह देना, और एक मंत्र बता रही हूँ, इस मंत्र को 108 बार और 108 बार, यानी 108 बार शनि के लिए, 108 बार राहु के लिए, और 108 बार केतु के लिए। तीनों ग्रह को अलग अलग बांधना है हमें, भगाना है जीवन से दूर। ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव। बेलपत्र की वो तीनों टहनी जहां जुड़ती है वहां शहद लगाकर पकड़ लेना, काली मिर्च को हाथ में रखना, और ओम शिव का 108 बार 108 बार और 108 बार 3 बार जप करना, यानी कि 3 माला जप करना। 3 माला जब जप हो जाए, इसके लिए तुमको माले का प्रयोग करना हो कर लेना, किसी चीज को गिनना हो उंगली में, बहुत लोग गिनते हैं, जैसे तुम्हें काउंट करना हो कर लेना। और 3 बार इस मंत्र को जप करने के बाद इस बेलपत्र को भी भगवान शिव पर चढ़ाना, ये 7 काले मिर्च के दाने भी भगवान शिव पर चढ़ाना, माथा टेकना, वहां के जल को आंखों पर लगाना, नमन करना और कहना कि ये जो शनि राहु केतु से मैं पीड़ित हूँ, अब मेरे जीवन को बाधा से मुक्त कीजिए, अब मुझे मुक्त कीजिए, अब मैं जीना चाहता हूँ स्वच्छ होकर। शिव जी के सामने माथा टेकना, इस मंत्र को जप करना और अपने घर चले आना। यदि हो सके तो 3 सोमवार यह उपाय कर लेना, ना हो सके तो 1 सोमवार भी यह प्रयोग करना। देखो 1 रुपये का खर्च नहीं है, पर ये तीनों ग्रह कैसे संतुलन बना लेंगे, ये तीनों ग्रह तुम्हें सताना छोड़ देंगे, तुम्हारे भाग्य को बदलेंगे। जहां जहां से धन आने का मार्ग रुका हुआ है, धन आने लगेगा। ये जो राहु है ना, बहुत बदमाश ग्रह है, कहो तो बहुत अच्छा ग्रह भी है, तो ये संतुलित हो जाए तो तुम्हारा जीवन संतुलित हो जाएगा, खूब पैसे कमाओगे, माला माल हो जाओगे तुम करोड़पति। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।